तो हम अभी आ गए हैं संबलपुर। संबलपुर में आज संबलपुर डे है 1 अगस्त, और 1 अगस्त 2024 में ये देखिए संबलपुर डे में जो संबलपुर डे है आज, मतलब जैसे जन्मदिन होता है हैप्पी मतलब बर्थडे, ऐसे संबलपुर डे है। तो ये सबसे टॉप लोकेशन आपको दिखा रहा था अभी, टावर वाला जो लोकेशन था सबसे टॉप लोकेशन, यहाँ का भी वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है यूट्यूब पर, और आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। डियर पार्क करके एक वीडियो है मेरा, और डियर पार्क हमने वहाँ पर घुमा है। फिलहाल अभी ये संबलपुर का आप जो है व्यू देख रहे हैं ऊपर से, ये मैं टॉप में यानी कि फ्लाईओवर पे हूँ, और यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है, और प्रोग्राम का जो है मैंने यहाँ पे व्यू कर रहा था। यहाँ पे देखिए आदित्य बिरला MCL करा रही है, और ये फ्लाईओवर पे हूँ, फ्लाईओवर का व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं। फिलहाल अभी ये सिटी दिख रहा है आपको, और उसके बाद यहाँ पे देखिए किस तरह से व्यू है, मैंने कोशिश किया आपको दिखाने के लिए, तो फाइनल यहाँ पे है। और इसके बाद इसके हमारे ठीक पीछे में महानदी रिवर है, तो महानदी रिवर का भी दिखाएंगे आपको, और हम आपको अभी शॉर्ट में ही समलेश्वरी मंदिर भी थोड़ा दिखा देंगे, तो उसी रास्ते से निकलेंगे अभी, तो समलेश्वरी मंदिर भी दिखा देंगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट कर दीजिए। देखिए महानदी का व्यू दिख रहा है आपको, और ये गोल बाज़ार है, गोल बाज़ार के ठीक सामने से मैंने यहाँ पर अपना जो है व्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये जो फ्लाईओवर है बहुत लंबा फ्लाईओवर है, अप्रोक्स 1 किलोमीटर होगा एकदम से, तो ये है, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लाईओवर से डाउन की तरफ जा रहे हैं, मार्केट की तरफ जा रहे हैं, और ये जो है अब मैं पहुँच चुका हूँ शाम के 6-7, 7:30 ऐसे कुछ, झिमझिम बारिश हो रहा है, और मैं आ गया हूँ समलेश्वरी मंदिर। ये समलेश्वरी मंदिर के बाहर का सीन है, और समलेश्वरी मंदिर का जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये महानदी में यानी कि नदी के मतलब नदी के किनारे खड़ा हूँ, मतलब समझिए तो नदी के ऊपर से बनाया हुआ जो है वो उस पर खड़ा हूँ। देख सकते हैं बाहर का सीन है, और काफ़ी सुंदर यह सीन दिख रहा है, रात का सीन है, और बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए ये व्यू जो देख रहे हैं आप, ये संबलपुर नदी में खड़ा है समझिए तो आप, क्योंकि नदी एकदम ठीक उसके नीचे भी दिखाई देगा आपको, तो रात का सीन है, फिर दिखाई देखिए नदी, थोड़ा आपको नदी दिखाई देगा, वो सामने में चुमन ब्रिज दिखाई दे रहा है, और ये नदी है, नदी के बीचों बीच में बनाया हुआ है ये, एक तरह से ब्रिज के जैसा मतलब बनाया गया है, और ये सामने में जो देख रहे हैं सामने का व्यू है। तो किसी दिन अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं इस मंदिर का पूरा ब्लॉग बना करके अपलोड करूँगा। तो ये यहाँ पर सामने में बहुत अच्छा सौंदर्य है, और ये जो मंदिर का उद्घाटन यहाँ के जो CM थे आपको नवीन पटनायक, उन्होंने इनका इसका अनावरण किया था, और ये काफ़ी अच्छा सौंदर्य है, बहुत अच्छा है, मतलब एक संबलपुर में आए हो तो ये जगह घूमना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी एक अट्रैक्टिव जगह है, बहुत अच्छा जगह है। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर, यहाँ पर पार्किंग का भी सुविधा दिया हुआ है, यहाँ पर फूडिंग का, ये रास्ता जो सीधा हाईवे निकलती है NH मुंबई टू कोलकाता, आगे जो जा रही है अभी उसी रास्ते से हम भी जाने वाले हैं अभी, और जाएंगे और आपको दिखाएंगे हम जो बाहर का सीन है। अंदर का सीन अभी दिखाने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा, तो अभी बारिश का टाइम है, बारिश हो रहा है, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, बारिश में यहाँ पे मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ कि मैं दिखाऊँ आपको बाहर का सीन, ये बाहर में ऊपर ऊपर फ्लाईओवर है, आप फ्लाईओवर से आप सीधे मंदिर में और इधर से फिर नदी के पास जा सकते हैं। ये काफ़ी सौंदर्य सीन है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में मुझे, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी, और निकलते के साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश में है कि मैं आपको जो बाहर का चीज़ जो है कवर करूं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह से मैं ब्लॉग और अच्छा अच्छा अट्रैक्टिव जगह लेकर के दिखाता चलता हूँ, मैं आपको और भी बहुत सारे से ब्लॉग लेकर आता हूँ। सो अभी मैं आया था अभी संबलपुर, और संबलपुर में घूम लिया, और आपको भी मैं घुमा दिया। तो ये सामने में महानदी है, और लेफ्ट में और राइट में आपका मंदिर, यहाँ पर समलेश्वरी मंदिर, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जो यहाँ पे नवीन पटनायक के द्वारा अनावरण किया गया है। तो मिलते हैं।